मैं रखूंगा सोने चलते वापस, कोई कर्मचारी नहीं है। तो गाइस कौन कहता है कि अकेले रहने में मज़ा आता है, मुझे बिल्कुल नहीं आता यार। खाली बैठा हुआ था, सवित को बुला लिया, ये भी बैठा हुआ है खाली, मैं भी खाली बैठा हूँ। जय श्री राम ऑल ऑफ यू, क्या हाल चाल है आप सभी का। आपका भाई केशव आ चुका है एक और बेहतरीन व्लॉग लेके। सो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि अभी दिखाता हूँ आपको, पैकिंग चल रही है, पैकिंग कम्प्लीट हो चुकी है, यहाँ पे बैग पैक हो चुके हैं। पापा भी रेडी हो चुके हैं क्योंकि पापा, गोलू और मम्मी जा रही हैं गांव, हमारे होम टाउन बिहार। सो अभी चलेंगे उनको स्टेशन छोड़ने, और क्या कहते हैं कल एकदम, मैं तो दो तीन दिन पहले ही प्लान बना, पापा को काम से जाना था तो मम्मी और गोलू फ्री थे, तो मम्मी और गोलू भी जा रहे हैं, मैं घर पर अकेले रहूँगा। तो चलते हैं अभी स्टेशन छोड़ के आते हैं, फिर देखते हैं आज का क्या सीन है। तो भाई मम्मी वगैरह जा रही हैं ऑटो में, मैं और सभी चलते हैं स्कूटी में, चलो ले। तो भाई स्कूटी ले आया था मैं, क्योंकि घर से बैग लाने में दिक्कत हो रही थी बाइक पे, इसलिए स्कूटी से ही। गाइस रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, कौन है सुबह स्टेशन तो पहुंच चुके हैं, और बाकी गोल वगैरह प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और हमारे मेरे और सभी के पास तो टिकट नहीं था, तो हमने प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया। देखते हैं ट्रेन कब तक आती है, साढ़े बारह बेड शीट लेके नहीं आनी चाहिए भाई, वो वेट कर रहे हैं आराम से भाई, ट्रेन तो ऑन टाइम है, उनको छोड़ते हैं फिर चलते हैं वापस घर। कोयले वाली ट्रेन है भाई, कोयले वाली, कोयले वाली था, ऊपर उसका कहाँ लगा हुआ एंटीना, वो इसमें धुआं भी निकल रहा था। सो गाइस यही हमारी ट्रेन आ चुकी है, B4 में हमारी टिकट, मतलब गोलू वगैरह की, गोलू मम्मी की, ये उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए सारे पैसेंजर। तो आ गई है हम सफर एक्सप्रेस, अरे वो देख ले कौन सा, वो बैठा दिया बाबा मम्मी को, अब चलते हैं वापस, कोई कर्मचारी नहीं है हमारा, भीड़ देख सकते हाँ, ठीक है ठीक ठीक है, हाँ हाँ ठीक। सो गाइस अब उतरते हैं रेलवे स्टेशन से, और वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, उसमें हमने स्कूटी पार्क कर रखी है, तो वहाँ चलते हैं लेके आते हैं स्कूटी। तो गाइस चलते हैं अब, ये बिल्कुल वाई सिटी वाली फील देता है ये पार्किंग, देख सकते हो दिखाता हूँ, वाई सिटी में भी ऐसे रास्ते थे, यहाँ से गाड़ियाँ पार्क करते थे और चुराक ले जाते। और गाइस अभी एक बंदा मेरा बहुत दिलचस्प बंदा था, वो कह रहा था एयरपोर्ट जाना है क्या, सभी तो कह रहे थे एयरपोर्ट। तो भाई ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हालत खराब हो गई। तो गाइस बाइक ले लिया, चलते हैं वापस, तो देख लो यही है पार्किंग। हम फेस थ्री पहुँच चुके हैं, उससे जाने से पहले सबसे पहले बिरयानी खा लेते हैं, फिर चलते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया था, सभी सभी को मैं सुबह से उठा के आया था, सो रहा था बेचारा, पहले बिरयानी खा लेते हैं फिर चलते हैं। सो गाइस हम लोगों ने बिरयानी खा लिया दबा के, अब चलते हैं, इट्स टाइम फॉर गो होम, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, घर चलते हैं। तो गाइस घर पहुँच चुका हूँ, टाइम हो रहा है 1:20। सो गाइस घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है, जैसे कोई है ही नहीं घर में, सच में कोई नहीं है, मतलब अकेले रहना पड़ेगा अब कुछ दिन तक, कोई नहीं गाइस, लाइफ में सारे फेस के मजे लेने चाहिए। अभी तो खाना खा लिया था बिरयानी, सो अभी तो नहीं खाऊंगा, सीधा दोपहर में खाएंगे 3-4 बजे के आसपास,
सही में अच्छा नहीं लग रहा, कोई नहीं है घर में। सो गाइस, कौन कहता है कि अकेले रहने में मज़ा आता है, मुझे बिल्कुल नहीं आता यार। खाली बैठा हुआ था, सवित को बुला लिया, ये भी बैठा हुआ है खाली, मैं भी खाली बैठा हूँ। कोई प्लान? बाल नीचे कर ले। सो गाइस, हम दोनों खाली खाली खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद विक्की भी आ जाएगा, वो भी खाली बैठ जाएगा। तीनों मिलके फिर अपना अपना फोन चलाएंगे। गाइस, यही लाइफ है आजकल, फोन ही सब कुछ है। हाँ। अबे गाना कौन सा कह रहा था, वो गाओ नॉर्मली, तू भूल जा कैमरा है। हाँ। चल, प्रशांत है हमारे साथ, प्रशांत भी एक आपको गाना सुनाएगा। तो गाओ प्रशांत, कैमरा फ्लिप कर देता हूँ। गा गा वे जस्ट अब हो गया, स्टार्ट से गाओ। चल ठीक। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, आ तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा, मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, तुझको अपनी हो में बसा के रखूंगा। वाह, क्या दर्द है तेरी आवाज में लड़के। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को प्रशांत का गाना? तू क्या बता रहा था थोड़ी देर पहले। सो गाइस, करेक्ट 6 बज चुके हैं और जाके लगी है हरी की भूख, बिरयानी खाई थी दिन में, अच्छा भूख लगी नहीं। सो अभी सोच रहा हूँ मैं चाय बना लेता हूँ, चाय खा लिया और रोटी जो है उसको थोड़ा गर्म कर लेता हूँ, चाय रोटी खा लेते हैं। सो गाइस, ऐसे रोटी हो जाएगी गर्म, चाय इधर हो गई हमारी चाय रेडी और रोटी भी हमने सेक लिया, तो चाय और रोटी खाते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन। सो गाइस, ले ली चाय रोटी, खाते हैं इसे। तीन रोटी गर्म कर ली है मैंने, तीन रोटी इज इनफ फॉर अस। गाइस, आज अकेले चाय पीना पड़ेगा, इतना अजीब लगता है। कोई नहीं, टीवी देखने का ही मन नहीं कर रहा गाइस आज, तो टीवी बंद पड़े। सो गाइस, टाइम हो गए हैं 8:30 और कुछ काम नहीं था करने के लिए, इसलिए लेटा हुआ था। और अभी का सीन ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि विक्की को बोला था आने के लिए, क्योंकि रात में अकेले सोने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मैंने बोला विक्की को आ जा घर पे, तो विक्की कह रहा है कि भाई तू आ जा फिर तेरे साथ ही चल लूँगा। तो अभी 8:30 हो रहे, मैंने सोचा कि जल्दी से आके फिर उसको लेके आ जाते हैं, और कह रहा था कि खाना भी मेरे घर पर खा लियो। खाना मम्मी बना के गई थी, वो भी बचा हुआ है, मैंने दिन में बस 3 रोटी खाई, वो भी चाय के साथ, सब्जी वगैरह है ही। सो खाना तो नहीं, उसे लेके आते हैं फिर खाना गर्म करके मैं खा लूँगा, चलते हैं उसके घर पे देखते हैं। सो गाइस, रेडी तो हो चुका हूँ, ग्लव्स वगैरह भी ले लिए, जैकेट भी डाल लिया, फुल्ली पैक हूँ, ठंड भी लगेगी, जूते भी डाल लिया। लेकिन गाइस एक दिक्कत है, फ़ोन चार्ज नहीं है, 23% ही चार्ज है, देखते कब तक वीडियो बनती है, या फिर विक्की के घर पर सीधे बैठूंगा फिर चार्ज भी लगा दूंगा। तो अब से सीधा विक्की के घर पर आज के मिलता हूँ। सो गाइस, विक्की के घर पहुँच चुका हूँ। विक्की, बाइक करते हैं नीचे पार्क, और जो टाइम हो रहा है 9:10, अभी ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं था, इतनी जल्दी आ गया मैं यहाँ पे, सोच भी नहीं सकता आप लोग। सो गाइस, विक्की के घर पे हमने हलवा पूरी खा लिया, हलवा खा लिया, चलते हैं वापस घर। क्या अबे मजाक से हट के बनाना, 10 रुपये और कुछ नया। हसनैन की हंसी। तो गाइस, अब चलते हैं वापस घर। हम
वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में लड़के शूटिंग में लग जाऊंगा मैं, यहाँ से मैं वापस अपने घर जाऊंगा, विक्की के साथ ही जाएगा, तो मैंने सोचा कि दूसरा कॉन्टेंट बना लिया जाए। इसी को तो कहते हैं बिजनेस। वो भाई क्या गाड़ी चलाता है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके।